हेलो 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 दोस्तों, स्वागत है तुम लोगों का एक और नए मीम रिव्यू वीडियो में। एंड सुना है तुम लोगों के एग्जाम चल रहे हैं या फिर आने वाले हैं। तो देखो, मीम स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक तरीका बताने वाला हूँ अच्छे नंबर लाने के लिए। यस, उसके लिए बस तुम्हें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। एंड मैं खुद भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम पास हो जाओ अच्छे नंबरों के साथ। बस इतना ही करना है तुम्हें पास होने के लिए। देख रहे हो तुम्हारे लिए कितना कुछ करता हूं मैं। काश मेरे टाइम पे भी कोई ऐसा यूट्यूबर होता जो इतना सब कुछ करता, बट तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूँ। बस आई गेस बहुत बकवास कर लिया है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अभी देखो थोड़ी देर के लिए एग्जाम का स्ट्रेस साइड में रख दो, पर मीम देखो यार। ओके, स्कूल जाने के लिए पूरा रेडी हो गया था। तभी टट्टी आ गई भाई। अबे ये तो काफी रिलेटेबल हो गया। भाई मेरे को बुरी लगती थी यार ये चीज। Bro have no enemies. अरे उसको रियलाइज भी लेट हुआ कि बॉल निकल गई। गोल करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। When my exams is finished. तौल नहीं भाई। व्यापार। देखो जिन किताबों को पढ़ लिया मैंने उनको रखने का फायदा नहीं है ना कुछ। एग्जाम की बात वो किताबें नहीं है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। वेलकम टू भोजपुरी प्रीमियर लीग। क्या हुआ? ओ भाई। अबे अबे ये अंपायर है यार, ये कैसे कर रहा है? ओके भाई यार ये होता है यार जब तुम्हें कुछ चीजें आती हैं बट तुम पब्लिक में वो चीज करने जाओ तभी पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाती है, तुम हंसने की वजह बन जाते हो। फाइनली माय फ्रेंड बाय हिज ड्रीम बाइक। व्हाट इफ स्टार प्लस होस्ट क्रिकेट? अरे यार मेरे को वो टाइम याद आ गया जब मैं मम्मी के साथ बैठ के ये सारे नाटक देखता था। ससुराल सिमर का भाई मैंने सालों साल देखा है। मैं वेट करता था 7:30 बजने का कि आज देखेंगे कि सिमर ने माता जी के पानी में जहर क्यों मिलाया। सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? जो मुझे अपनी सारी चीजें दे दे। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? दिवांश। आपको इससे क्या चाहिए? उसकी क्रश। अबे उसकी क्यों चाहिए? अपनी बना। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी क्रश उसकी भी क्रश है भाई। वाह, मैथ्स में 90, साइंस में 99, गुजराती में 0 एब्सेंट था। तुम एग्जाम में एब्सेंट थे? नहीं, आगे वाला एब्सेंट था। भाई रीजन तो सही है भाई उसका। ले भाई कर दिया किस। बड़ा दूर भाग रहा था। परिवार में कितने बच्चे होने चाहिए? दो बच्चे होने चाहिए। दो ये तक सही रहता है। दो कितने हैं? हमको तो 10 बच्चा है। मतलब बोलने के लिए 2 ही तक सही होता है, करने के लिए 10। जात पात मैटर नहीं करता यहाँ। अरे तुम तो मुसलमान हो, तुमने अपने बाइक पे हिंदू क्यों लिखा रखा है? यार मैं धर्म धर्म में मानता नहीं हूँ। देखो मेरे लिए सारे धर्म एक है, हिंदू हो या मुसलमान, मैं सबकी बाइक चुरा लेता हूँ। भाई हाँ भाई, मानना मानना मेरी चाहिए। दोनों बाइक सेम रेट की बिकेंगी।
Bro got caught using his powers. भाई वो ऐसे स्माइल किया यार। ओ रुको रुको, ये एक बार और देखना बनता है। रुको रुको, भाई यहाँ पे एक बंदा कमेंट कर रहा है, हिज माइंड वॉइस बी लाइक सुपर पावर स्टिल वर्किंग। अगर एक टीचर सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकता है तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है? भाई भाई इतना डीप, अबे सही में यार, हमें सब पढ़ाए जा रहे हैं, खुद एक एक पढ़ा रहे हैं, सब एक टीचर आगे सब पढ़ा के दिखाओ हमें, तब हम पढ़े सारे, बाद में दम है भाई। ये वीडियो सरकार तक जानी चाहिए, इससे मेरी नहीं तुम्हारी हेल्प होगी, इसलिए बता रहा हूँ। जल्दी लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर कर दो अपने दोस्तों को, भाई लोगों को तब पता लगेगा यार कितनी सेंसफुल बात है ये। फाइट विद रिलेटिव्स, मॉम बच्चे भाई कितने रिलेटिव है यार। मेरी मम्मी ना देख रही हूँ, सॉरी मम्मी। ओके ले भाई ये तेरे लिए। ओ व्हाट भाई, ऐसे मत क्या करो यार प्लीज, मेरा दिल बैठ जाता है। बैक बेंचर्स डांस इन 26 जनवरी। हाउ क्रिएटिव भाई, हाउ लेजी आर यू भाई, प्लीज मुझे ही चाहिए। ना 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 ना, जितने पैसे लेने हैं ले लो, ये चीज मुझे चाहिए। मेरे से नहीं उठा जाता भाई, बैट से सोचो, बैट से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैट से ही स्कूल जा रहे हैं, बैट से ही घूम रहे हैं, इसकी माँ का मजे ही मजे। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस किधर है पता नहीं। मुझे पता, दूसरों के पास है। मम्मी ने गैस ऑफ करने को कहा था और मैं, डरने से क्या फायदा है, एक दिन किसी को सबको मरना है। वाह क्या बात, क्या भाई इससे अब इनके हाथ से मरना होता तो इनके हाथ से। ट्रू स्टोरी भाई, और वो याद भी तब आता है जब सारा दूध जल के उड़ गया है हवा में, वो पतीले में कुछ नहीं बचा अब। भाई मैं बता रहा हूँ, उससे डरावनी स्टोरी कोई हो नहीं सकती। जोक सुना देते हैं, तो सुनिए जोक है। एक बार एक आदमी होता है, वो नॉर्मली होते ही है ऐसे, ये जो आदमी है इसके सर पे सिर्फ दो बाल होते हैं, सिर्फ दो बाल है? अब ये दोनों बाल सिर्फ अकेले से यू नो मायूस से घूम रहे हैं एक आदमी के सर पे, बोर होते हैं जिंदगी में, एक दूसरे का ही सहारा है एक दूसरे को है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे देश में बाल विवाह अलाउड ही नहीं है। भाई इतना बचकान जोक तैयारी। साइकिल वाले ने एक आदमी को टक्कर मार दी और बोला, भाई साहब आप बहुत किस्मत वाले हो। आदमी गुस्से में बोला, एक तो तूने मुझे टक्कर मारी और ऊपर से मुझे किस्मत वाला कह रहे। साइकिल वाला बोला, देखिए भाई साहब आज मेरी छुट्टी है तो साइकिल चला रहा हूँ, नहीं तो मैं ट्रक चलाता हूँ। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, तू किस्मत वाला है प्लीज, मान ले यार। टीचर पटाने का तरीका मुझे पता है, बहुत इजी है, देख कुछ नहीं करना, मैम जैसी पढ़ा रही होगी ना तू बस मैम की आंखों में देखते रहियो, सारे बच्चे कॉपी किताब देख रहे हैं तू सिर्फ मैम की आंख में देखेगा, मैम कहेगी कि बेटा क्या रखा है मेरी आंखों में, कॉपी किताब में पढ़ लो, तू बोलिए मैम मुझे कॉपी किताब की जरूरत नहीं है, आपकी आंखों में मेरे सारे सवाल के जवाब है। देख या तो मैम पढ़ जाएगी या तो फिर बाकी की पढ़ाई घर से कर लेंगे, क्या हो गया, देख रिस्क तो लेना पड़ेगा। देखो भाई रिस्क है तो इसका ऐसे ही होता है। गाइस मैं भी ट्राई कर लेता अपनी ड्राइंग वाली मैम के साथ, बट ठीक है कोई बात नहीं। क्या पूछ रही है, कैसा पेपर गया आपका? बहुत गर्दा गर्दा गया है, बहुत गर्दा। अच्छा ऐसे लिखे, ऐसे उसे नहीं लिखते, जय श्री राम लिखते है बस। एकदम एकदम भक्ति में लीन है, जय श्री राम, ऐसे वैसे नहीं लिखते हैं, जय श्री राम लिखते हैं। लेट्स गो। ससुरा मालिक निकला पदोड़ा, कहाँ हुआ मालिक, सब ठीक? मालिक का पान ठुआ लेकर भाग रहा है। ससुरा इतना काम महका दिया जो ये इतना जोर से भाग लिया है, खुद से सुन के देखना पड़ेगा।
बाप रे बाप, इतना गंदा माँ करा ससुराम को भेजी आ रहा, हम भी भाग रहा। ससुराम पधोरा भाई, वो लौट गया है बोलने। ससुराम पधोरा, allow me। खुशी का राज यह है कि कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे अरे अरे, ओ हो 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 हो, क्या बात है। अभिनंदन। अरे फिर तो बबीता जी की भी कल वेडिंग एनिवर्सरी होगी। नहीं नहीं नहीं, मतलब उनको भी कल मुबारकबाद देनी पड़ेगी ना। अरे यार भाई जेठालाल, नहीं 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 नहीं, अंकल ओपी भाई। सही में ऐसा हो रहा है भाई, मेरा देश बदल रहा है भाई। ये अंकल तो अपने बेटे को बोल भी नहीं सकते और खेल गए। बेटा बोलेगा आ जाओ आप भी खेलो। हाउ आई स्टडी फॉर माई एग्जाम। एक्चुअली लंच का टाइम हो गया है, लंच करने के बाद मैं पक्का पढ़ूंगा। Yes. After 4 hours of lunch. चलो पढ़ते हैं। अरे 6 बज गए, मतलब चाय पीने का टाइम। चाय पी के 7 बजे एग्जैक्ट पढ़ने आता हूँ। एग्जैक्ट। Yes. After an hour of चाय, hour of चाय। 7:05 हो गए, 8 बजे पढ़ता हूँ, बेटर रहेगा। बस अब कुछ भी हो जाए, 12 बजे के पहले सारे के सारे चैप्टर खत्म करूंगा। आशीष ने वीडियो अपलोड किया। अरे वाह, एक मिनट देख लेता हूँ यार, क्या जाएगा, कितना टाइम जाएगा इसमें। ए प्लीज, मेरे को भी खेलने दो ना। क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई, इसीलिए नहीं हो रही है पढ़ाई भाई। सबकी कहानी सेम है, सब यही करते रह जाते हैं। ओके, सो मीम्स हो गए खत्म और इसी के साथ वीडियो भी हो रही है खत्म। एंड अगर तुम लोग अभी तक देख रहे हो तो इसका मतलब यही है कि तुम्हें वीडियो पसंद आई है, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और शायद मैं ये तीसरी बार बोल रहा हूँ, अगर पहली बार में कर दिया तो फिर से करने की जरूरत नहीं है, वो अनलाइक हो जाएगा। तो हाँ, इसी के साथ मैं तुमसे मिलूंगा आगे और भी शानदार वीडियोस में। टिल देन बाय। अब मैं जा रहा हूँ सोने, मैं रात भर सोया नहीं हूँ, अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं, अब जाऊंगा मैं सोने। गुड नाइट गाइस। आई मैं रिकॉर्डिंग तो बंद कर दूं।